हे एवरीवन, अ वेरी गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन इज आउट गाइस। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पूरे साल से आप लोग कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे, मैम कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो यस गाइस, आउट हो गया है। टोटल वैकेंसी 1600 है, रेगुलर वैकेंसी 1600 है, बैकलॉग वैकेंसी 73 है। तो टोटल मिला के 1673 वैकेंसीज है। आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो छोटा रहेगा लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद से आप लोग को इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर भी हम लोग वीडियोज लेके आएंगे। चलिए, तो आप लोगों को बता दें कि भाई ये जो एग्जाम है पैन इंडिया के बच्चे देने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं काफ़ी बच्चे। और आप लोगों को अगर अपना कंपटीशन देखना है तो यकीन मानो, जो मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको लगा के देख लो। फ्री मॉक टेस्ट है, सभी को दे रही हूँ मैं इस टाइम पर। आपको दिख जाएगा आपका रियल कंपटीशन क्या है, क्योंकि फ्री मॉक है, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, बेस्ट मॉक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और क्यों और आपको लगा के देखना है, आपको अभी से ही स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आपको अभी कितना मेहनत करने की जरूरत है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इवन मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप सभी के मार्क्स भी जानने हैं परसेंटाइल के साथ, जरूरी हो जाता है एसबीआई पीओ की अगर हम लोग बात कर लें तो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है गाइस, तब आपका बहुत अच्छा एग्जाम है अगर आप लोग इसे क्लियर कर जाते हो, बहुत अच्छी जॉब है। चलिए, तो टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता दी 1600 है। आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 12 अक्टूबर तक होने वाला है, ठीक है, यानी कल से स्टार्ट होकर 12 अक्टूबर तक होगा। प्रीलिम्स की जो डेट है आपकी वो 17, 18, 19, 20 दिसंबर, ठीक है, आपकी कब है 17, 18, 19, 20 दिसंबर, ओके। मेंस की जो डेट है आपकी वो डेट नहीं दी है, टेंटेटिव मंथ दिया है, वो आपका जैन और फेब 2023 में है, यानी जनवरी और फेबर 2023। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट यस आपका मार्च में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो भाई एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो आपका होना चाहिए 31/12/2022, यानी 31 दिसंबर 2022 तक आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन का। इसमें ग्रेजुएशन मांगता है, कोई ये नहीं है बीए बीएससी बीकॉम, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए ओके 31 दिसंबर 2022 तक कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं एज की, तो कितने साल के बच्चे भर सकते हैं गाइस, ध्यान से सुनो। आपका जो एज है वो 1 अप्रैल 2022 तक नॉट बिलो होना चाहिए 21 और नॉट अबव होना चाहिए 30, यानी 21 साल से लेकर 30 साल तक का जो कैंडिडेट है वो आप आराम से फिल कर सकते हो। तो भाई लग जाओ तैयारी में, मॉक के लिए जो मैंने बताया मॉक जरूर दे देना, पहले ही दिन दे देना, क्योंकि मैं भी ऐसा करती थी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, हमें मॉक देने से ही आइडिया लगता है कि यार हमने कितना कर रखा है, हमें कितना करने की जरूरत है। फ्री मॉक मैंने आप लोगों को दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दे लो। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देती हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग जाइए चेकआउट कीजिए। और आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी हेल्प होती है एक दूसरे के थ्रू, तो आप लोग टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और गाइज, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का वेट कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।